नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप तो देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना से कोहराम मचा हुआ है। अमेरिका, इटली, स्पेन, जर्मनी, ठीक है, ईरान, ये सब सारे देशों में बहुत तेज़ी से कोरोना का प्रकोप चल रहा है, महामारी चल रही है। और इंडिया में भी ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इंडिया में बढ़ने का दो रीज़न है। पहला तो दिल्ली की प्रशासन व्यवस्था की वजह से, वहाँ पे आनंद विहार में 1 लाख से ज़्यादा लोगों का इकट्ठा हो जाना, ये सारी प्रशासन की फॉल्ट है, जो वहाँ के गवर्नमेंट है उसकी फॉल्ट है। दूसरी चीज़ होती है कि ये मरकज़ तबलीगी जमात जो दिल्ली में 2300 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे, ठीक है, ये दोनों गलतियाँ भारत को बहुत महंगी पड़ रही हैं। इसकी वजह से डेली 400-500 केसेस डेली बढ़ रहे हैं, डेली बढ़ना शुरू हो गए। नहीं तो इससे पहले लॉकडाउन की वजह से कितना अच्छा कंट्रोल था, ठीक है। तो और कुछ लोग हैं जो थाली पे या ये मोमबत्ती दीपक जलाने पर भी सवाल उठा रहे हैं, मोदी जी को ट्रोल कर रहे हैं। अरे यार, जो भी कंट्रोल है ना, इन्हीं की वजह से कंट्रोल में है, समझो इस बात को। नहीं तो अमेरिका में देख लो कितनी अच्छी फैसिलिटी है, कितना अच्छा मेडिकल व्यवस्था है। इटली में देख लो कितनी अच्छी मेडिकल व्यवस्था है, ठीक है। तो इन्हीं की वजह से जो भी कंट्रोल में है ना। और ये भी ये नहीं बोले हैं कि ये ठीक हो जाएगा, थाली पीटने से ठीक हो जाएगा या दीपक जलाने से ठीक हो जाएगा, ये ठीक नहीं होगा, ठीक है। ये लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए, जिनका मोरल डाउन हो रहा है उनका उत्साह बढ़ाने के लिए ये कह रहे हैं, ठीक है। इसका मत समझिए इसे। और ये कभी बोले ही नहीं ना कि वायरस इससे ख़त्म हो जाएगा, कहाँ बोले हैं, कहीं भी बोले हैं, कहीं हमको बताओ तुम कि वायरस ख़त्म हो जाएंगे थाली पीटने से, इससे दर्द डालने से। हाँ, लेकिन अगर आप देखोगे तो इसका वैज्ञानिक रीज़न भी है। हमने पढ़ा है कि BHU के कई प्रोफेसर हैं, IIT के कई प्रोफेसर हैं फिजिक्स के, उन्होंने थाली पीटने के पीछे रीज़न भी बताया है और दीपक का भी रीज़न बताया है, ठीक है। तो अब मोदी जी को ट्रोल मत करो, मोदी जी को ट्रोल करने का मतलब नहीं है। और यहाँ पे वो बोले हैं लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए, लोगों में एकता जगाने के लिए बोले हैं, ठीक है। और जो ट्रोल करने वाले हैं लोगों, जरा सोचो यार, रोज़ 2-3 लोग सुसाइड कर रहे हैं इंडिया में, क्यों? कोरोना की दहशत की वजह से। पता नहीं है ना, नहीं पता होगा क्योंकि तुम लोग ये इधर सोचते ही नहीं हो, देखते ही नहीं हो, ठीक है। पंजाब में पता नहीं कहाँ कहाँ लोग, 2-4 लोग डेली सुसाइड कर रहे हैं कोरोना की डर की वजह से, कोरोना की दहशत की वजह से। तो उन लोगों को उत्साह बढ़ाने के लिए जो हमारे मेडिकल स्टाफ, जो हमारे सिक्योरिटी वाले हैं जवान, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो उनका मोरल डाउन ना हो, उनको लगे कि हाँ उनके साथ है लोग, आसपास के लोग सोचे कि हाँ सब लोग इकट्ठा हैं, मिल के लड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये इन सब वजहों के लिए वो बोल रहे हैं और उन्हीं की वजह से ये कंट्रोल है। अमेरिका की पॉपुलेशन कितनी है? 20 करोड़ है। 20 करोड़ में 2.5 लाख 3 लाख लोग को कोरोना हो गया है, मर गए हैं 7,000 से ऊपर लोग। इटली में देखो, इटली की पॉपुलेशन 6 करोड़ होने के बाद भी 1.5 लाख से ऊपर लोग प्रभावित हैं, ठीक है। चाइना की पॉपुलेशन देख लो, चाइना की पॉपुलेशन के बाद जर्मनी की पॉपुलेशन देखो, ठीक है, जर्मनी के बाद स्पेन की पॉपुलेशन देखो, उसमें कितने लोग हैं और कितने लोग प्रभावित हुए हैं। चाइना का तो डाटा गलत ही है, ये तो लोग दुनिया बोल रही है और हम भी मानते हैं कि चाइना जो दे रहा है अपना डाटा वो गलत है, ठीक है। तो ये सोचो, इनकी वजह से ये कंट्रोल में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल में था अगर ये 2 गलतियाँ नहीं होती तो, और फिर भी कंट्रोल में है, कंट्रोल में है। और ये 2 गलतियाँ क्यों हुई हैं? इसके पीछे रीज़न है कि वो लोग फंस गए थे, ठीक है, मान लेते हैं फंस गए थे। तो यार, 2-2-4 करके ये तबलीगी जमात की बात कर रहे हैं, तबलीगी जमात में जब 2300 लोग फंस गए थे तो 2-2-4 करके निकल सकते थे ना, कौन पुलिस वाले डंडे मार रहे थे? चार लोग से ज़्यादा इकट्ठा होने पर ना लोग डंडे मार रहे थे, तो 2-2-4 करके आप निकल सकते थे, नहीं निकले, ठीक है, मान ली। जब डॉक्टर आपको लेके आ रहे हैं, बस से आप आ रहे हो, तो लोगों पे क्यों थूक रहे हो, पुलिस वालों पे क्यों थूक रहे हो? और जो डॉक्टर जा रहे हैं इलाज करने के लिए उनको मार रहे हो, उनके साथ गंदा बिहेव कर रहे हो, ये कौन सा इस्लाम पढ़े हो, कौन सा कुरान पढ़े हो, कहाँ सिखाया गया है तुमको? बताओ कि ऐसा करो, जो तुम्हारा इलाज करना चाहता है, जो तुमको तुम्हारी देखभाल करना चाहता है, उसके ऊपर
तुम भद्दे भद्दे कमेंट करो, उनके ऊपर थूको, उनको मारो, उनको पीटो, कहाँ लिखा गया? अरे कौन से इस्लाम में लिखा गया है? तो इन्हीं कुछ लोगों की वजह से आज पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को। उसमें बहुत सारे लोग अच्छे लोग हैं यार, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों की बुरी हरकतें की वजह से आज पूरा मुस्लिम कम्युनिटी को लोग बर्बाद कर रहे हैं, मतलब ये टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो और ये भी देख लो कि कितने लोग हैं नोट में थूक लगा के वीडियो बना करके भेज रहे हैं, और कितने लोग हैं जो कि सब्जी में, फल में, पता नहीं कहाँ कहाँ का थूक लगा रहे हैं। आप बताओ, तुम चंद लोगों की वजह से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी बर्बाद हो रही है कि नहीं हो रही है? बदनाम हो रही है ना। अब लोग जो मान लो कोई बेचारा गरीब होगा मुसलमान में, कोई सब्जी बेच रहा होगा, तो जानबूझकर लोग नहीं खरीदेंगे, कहेंगे कि अरे यार ये भी हो सकता है वैसा ही करता होगा, और कोई 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 कौन कौन सा काम कर रहा है, तो मतलब तुम उन सबके पेट पे लात मार रहे हो यार, अपनी बुरी हरकतों की वजह से, कुछ लोगों की बुरी हरकतों की वजह से पूरे कम्युनिटी के जो गरीब तबका है उनका, उनको लोग गलत निगाह से देखने लग रहे हैं। लेकिन सब गलत नहीं है यार, मैं भी मानता हूँ, पूरी दुनिया मानती है कि सब लोग नहीं है, बहुत लोग अच्छे हैं, ठीक है। तो मत ऐसा करो यार, और मेरा भी सभी हिंदू भाइयों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दो चार लोगों की वजह से आप पूरे कम्युनिटी को टारगेट मत कीजिए, ठीक है। गलती होते हैं हर धर्म में, गलत होते हैं दो चार लोग, लेकिन इनकी वजह से पूरे कम्युनिटी को बदनाम मत करिए, और ख़रीदिए यार उन सबसे सामान आप ख़रीदिए, ठीक है, चाहे मुस्लिम हो हिंदू हो, ऐसा ना कभी समाज में था, न कभी समाज में रहना चाहिए। धन्यवाद।